हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि डे टाइम के लिए एक मेकअप लुक शूट करूँ, वीडियो बनाऊँ उस पर, मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए या फिर डेट पे जाने के लिए कुछ ऐसे हल्का मेकअप, बस काजल, मतलब कम से कम मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होने वाला है, हल्का ही रहेगा। इसको इजीली कोई भी कैरी कर सकता है, इवन डेली बेसिस पे भी अगर आप मेकअप करना चाहें तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करेंगे स्किन को मॉइस्चराइज करने से। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। इसको अच्छे से अपनी स्किन में अप्लाई कर लें। और मैं ये वीडियो सर्दियों में थोड़ा बना रही हूँ तो और अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी हो जाता है स्किन को। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। आप किसी भी ब्रांड का सनस्क्रीन यूज़ कीजिए लेकिन ज़रूर लगाइए, क्योंकि दिन का मेकअप है तो ऑब्वियसली धूप में निकलने पे थोड़ा स्किन प्रोटेक्ट रहेगी धूप से। तो अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद, और हाँ, जो भी प्रोडक्ट आप लगाइए अपनी अपने फेस पे भी और अपने नेक पे भी कवर करते हुए लगाइए। इसके बाद से प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया एलोवेरा जेल। मेरा प्राइमर इनसाइड का है पर वो मिल नहीं रहा था कहीं मुझे, तो मैंने एलोवेरा जेल ही यूज़ कर लिया। और उसको अच्छे से स्किन में अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे का 9 to 5 सीसी क्रीम लिया है और इसको पूरे फेस पे मैंने डॉट डॉट करके लगा लिया है। फिर फिंगर्स की हेल्प से ही इसको अच्छे से पूरे स्किन में ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे और नेक पे भी अप्लाई करेंगे इसको। और इसके बाद से मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसको भी मतलब जहाँ जहाँ आपको लगे डार्क स्पॉट्स हैं, मतलब आईज़ के नीचे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड बो पे, फोर हेड पे और माउथ के अराउंड, और ना जहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स हों वहाँ वहाँ पे लगा करके, फिर इसको भी मैंने हाथों से ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। एक तरह से ये नो ब्रश नो ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर मेकअप भी है, आप इसको हाथ से ही ईजीली कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए प्रोडक्ट। इसके बाद से थोड़ा सा, मेरी स्किन ऑयली है तो मैं थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लूँगी, वरना फिर वो ऑयली ऑयली बहुत ज़्यादा फिर ठीक नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया लैक्मे का रोज़ पाउडर, लूज़ पाउडर है ये, तो इसकी हेल्प से थोड़ा सेट कर लेंगे फेस को। बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, हल्का हल्का ही, क्योंकि सर्दियों में ना यूजली क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है। तो बस मेकअप को हल्का सा, जो मतलब हमारा जो बेस है, आप फाउंडेशन लगाओ या फिर सीसी बीबी क्रीम जो भी लगाओ, हल्का सा बस इसको सेट कर लो। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे आईब्रोज की तरफ। तो इसके लिए मैंने ADS का आईब्रो पाउडर लिया है, तो इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल इन कर लूँगी। और इसके साथ ही ये ब्रश भी आता है, तो एंगुलर ब्रश है ये, इसी से मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल इन कर लूँगी दोनों आईब्रोज़ को। और इसके बाद से एक स्पूली की हेल्प से इसको अच्छे से कॉम्ब आउट कर लेंगे, ताकि जो भी प्रोडक्ट है उसको वो अच्छी तरह से पूरे आईब्रोज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। तो आईब्रोज़ के बाद हम लगाएंगे आईलाइनर, और मैंने यूज़ किया ब्लू हेवन का आईलाइनर। आपके पास जो भी आईलाइनर हो आप वो यूज़ कर लो। तो इसकी हेल्प से मैंने एक पतला सा आईलाइनर ड्रॉ किया है। डे मेकअप है तो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगना चाहिए, इसलिए बस बिल्कुल पतली सी लाइन बनानी है आपने। आईलैशेस के बिल्कुल नज़दीक से ही आप पतला सा आईलाइनर ड्रॉ कर लीजिए।
अभी सेम आईलाइनर को ही मैंने नीचे की वाटर लाइन जो होती है इसकी वहाँ पे भी अप्लाई किया। बिल्कुल पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि मतलब बहुत ना हैंड शेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वरना आपका पूरा मेकअप बिगड़ जाएगा। तो बहुत आराम आराम से इस स्टेप को फॉलो कीजिए और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब आईज थोड़ी बहुत ही अच्छी सी लगने लग जाती हैं इस तरह से अगर आईलाइनर लगाओ तो। और इसके बाद से मैंने यूज़ किया है जैकलिन यूएसए वन स्ट्रोक सुपर ब्लैक काजल, और ट्रस्ट मी ये काजल बहुत ही बढ़िया है, मतलब अमेजिंग काजल है ये। तो अच्छी तरह से काजल को भी अप्लाई कर लेंगे। और इस तरह से आईलाइनर लगाने का एक हैक ये भी है कि हमारा काजल जल्दी स्मज नहीं होता है, मीन्स पूरे पूरे दिन आपका ऐसे टिका रह जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी टाइम से इस तरह मतलब काफ़ी टाइम तक इस तरह से मैंने काजल लगाया है अपने स्कूल कॉलेज टाइम में। तो काजल लगाने के बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया मेबेलिन का कलोसल मस्कारा। और इसको अच्छी तरह से दो कोट अपने आई लैशेज़ पे, अपर लैशेज़ पे, लोअर लैशेज़ पे, दोनों पे अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे लिप लाइनर। और सर्दियों में आप पहले लिप बाम अप्लाई कर लीजिए, मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था पहले ही। तो इसके बाद से मैंने लिप लाइनर की हेल्प से आउटलाइन ड्रॉ करी है। और इसके बाद से मैंने लिया है ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक है ये, और शेड है टॉफी ब्राउन आई थिंक, और ये बहुत ही प्यारा सा न्यूट शेड है। हाँ ये है कि सर्दियों में ये कुछ ज़्यादा ही मैट हो जा रहा है, जैसा पाउडर मैट इसका नाम है, तो वाकई में सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मैट हो जा रहा है। और आईज थोड़ी बोल्ड थी तो इसलिए मैंने लिप्स को न्यूड रखा है। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको हल्का सा ब्लश लगाना हो तो सेम लिपस्टिक को ही मैंने चीक्स पे हल्का सा अप्लाई करके और ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको ब्लश लगाना है या नहीं लगाना है, मैंने बस एक सजेशन आपको दिया है। आप लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, अगर आपके पास ब्लश नहीं भी है तो आप ऐसे ब्लश लगा सकते हो। और इसके बाद से मैंने एक छोटे छोटे से इयर रिंग्स पहन लिए हैं, और ये है आज का फाइनल फिनिश लुक। ये रहा फाइनल फिनिश लुक, आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।